सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। बोर्ड एग्जाम की बात करें या बोर्ड स्टूडेंट्स की बात करें, हर स्टूडेंट के मन में हर सब्जेक्ट को लेकर के ये दो बातें तो लगातार चल रही होती है। पहली बात कि इस सब्जेक्ट में, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट में मेरे 33% मार्क्स आ जाएं, किसी भी तरीके से मैं इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कि इस सब्जेक्ट में मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं, मैं ऐसा क्या करूं, कितना पढ़ूं कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए, 100% आ जाए। दोनों कैटेगरी में स्टूडेंट लगातार स्ट्रगल करता है, चाहे वो पास होने को लेकर के हो, चाहे वो मैक्सिमम मार्क्स लाने को लेकर के हो। आज की वीडियो में दोनों टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरी वीडियो ध्यान से जरूर देखते रहिए। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी में कुछ ऐसे टॉपिक हमारे पास हैं जिन्हें हम बिना पढ़े ही बहुत अच्छे मार्क्स ले आते हैं। अगर मैं बात करूं अपठित गद्यांश की और अपठित कविता की, तो इन दोनों टॉपिकों में पढ़ना और समझना पड़ता है, और जब तक पढ़ते समझते नहीं हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। दूसरा टॉपिक हमारे पास होता है ग्रामर पार्ट, और ग्रामर पार्ट तो बड़ा टफ लगता है, जब तक हमने इसे समझा नहीं, इसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो ग्रामर टॉपिक को भी साइड रखते हैं, अपठित गद्यांश और कविता को भी साइड रखते हैं। तीसरा टॉपिक हमारे पास होता है चैप्टर से रिलेटेड सवाल, और जब तक हमने चैप्टर को नहीं पढ़ा है ना, हम इसके आंसर भी नहीं लिख पाते हैं। तो यहाँ तीनों टॉपिक में हमें पढ़ना और समझना पड़ता है, तो इन तीनों को करते हैं अगर हम साइड। चौथा टॉपिक हमारे पास है उसमें लेखन का, इसमें हमारे चार टॉपिक होते हैं। पहला है हमारा पत्र लेखन, दूसरा है हमारा अनुच्छेद लेखन, तीसरा है हमारा विज्ञापन लेखन, और चौथा है हमारा संदेश लेखन। ये चार टॉपिक ऐसे हैं जो हमें पता है इनमें लिखना क्या है, और हमें कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चारों टॉपिक होते हैं, हमें बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। करना क्या होता है, देखो, संदेश लेखन हम डेली लाइफ में अपने व्हाट्सएप में संदेश भेजते ही रहते हैं, किसी को मैसेज भेजते ही रहते हैं, तो बस वही चीज़ है, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा है विज्ञापन लेखन। अब विज्ञापन क्या, एडवर्टाइजमेंट डेली देखते हैं हम, न्यूज़ में, टीवी में देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, बस वही है, थोड़ा सा इसका पैटर्न पे ध्यान करना होता है। तीसरा टॉपिक है हमारा अनुच्छेद लेखन। अब अनुच्छेद लेखन में क्या करना होता है, टॉपिक दिए होंगे हमें, एक टॉपिक दिया होता है, नॉर्मल सा टॉपिक होता है, बस एक पैसेज लिखना है, इतना सा छोटा सा हमारा पैसेज होगा, बस इसी में हमारा। तो देखो, संदेश लेखन हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, और अनुच्छेद लेखन हो गया। अब चौथा टॉपिक हमारा पत्र लेखन। हम ना जाने हम दूसरी तीसरी तीसरी चौथी से हम पत्र लिखते हुए आ रहे हैं। तो ये चार टॉपिक ऐसे हैं बस जिनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, इनके पैटर्न पर ध्यान देना होता है, हमारे 20 में से 20 मार्क्स आसानी से आ जाते हैं। किसी भी टॉपिक को आपको समझना हो, चाहे विज्ञापन लेखन हो, चाहे संदेश लेखन हो, चाहे अनुच्छेद लेखन हो, चाहे हमारा जो चौथा टॉपिक है, इन चारों में से अगर आपको कोई भी टॉपिक समझना है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरे सब्जेक्ट के चाहिए इजी मेथड, सिंपल वे में आप कैसे अपने पास मार्किंग ला सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट में पास मार्किंग की ज़रूरत है, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।